नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीएनजी गैस के चलने वाले टेम्पो को सीएनजी गैस नहीं मिलने के कारण टेम्पो दो दिनों से पंप में खड़े हैं। ड्राइवर और मालिकों ने पंप में ही अपना डेरा इस आस में जमाया हुआ है कि जल्द में सीएनजी गैस मिल जाएगा और वहां लोग अपनी गाड़ी सड़क पर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगेंगे। 48 घंटे से अधिक हो जाने के बाद उनका सब्र का बांध टूट गया। क्या परेशानी है भाई साहब, गाड़ी खड़ी है आप लोग? दो बजे रात से खड़े हैं भैया, गैस का बहुत ही अति संकट आ गया है। हम लोग बैंक का लोन है, स्कूल ऑर्डर है, इस जीवन हम लोग जीवन आए दिन कमाई धमाई सब चौपट गया। लाइन में चार चार घंटा लगता है, गैस नहीं आ रहा है, 5 घंटा। स्थानीय विकास जी, क्या आप इसके जिला प्रशासन से मांग करेंगे? देखिए, टेम्पो ड्राइवर जो है, टेम्पो के मालिक भी है और ड्राइवर भी है, ये रोज कमाने खाने वाले युवक है, ये मेहनत का इंसान है, इसलिए इन्होंने, सबसे बड़ा बात है कि इन्होंने सरकार की बात को माना। सरकार की बात को मानते हुए इन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल के टेम्पो को कौड़ी के भाव में बेचकर सीएनजी का टेम्पो लिया। इसलिए लिया कि इन्हें प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, इन्हें पेट्रोल डीजल की बचत कराना है जिससे देश की आर्थिक स्थिति ठीक रहे। लेकिन उसके बाद एक और ये ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम टेम्पो ले लिए हैं, ना हम रख पा रहे ना फेंक पा रहे। दो दिन से ये प्रतिदिन सीएनजी के सेंटर में कतारबद्ध है, लेकिन इन्हें सीएनजी गैस नहीं मिल रहा है। स्थितियाँ हो गई है कि रात दो दो बजे से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सीएनजी नहीं मिल रहा है। अब इनका नहीं मिलने का दुष्परिणाम यह हुआ कि बैंक वाले घर के दरवाजे में आके खड़े हो गए कि आप किस्ती दीजिए। जो विद्यालय में बच्चे को लोग प्रतिदिन लेके जाते थे, विद्यालय खुला हुआ है, उनके गार्जियन फोन करके इनका जो परमानेंट जो काम था वो छीना गया। मैंने कहा जाए कि रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई। मैं आपके माध्यम से उपायुक्त महोदया को सीधे इस मामले में निवेदन करूंगा कि महोदया, आप इस मामले को संज्ञान लीजिए, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले मेहनत का इंसान है, सरकार की गलती का खमियाजा इन्हें नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सरकार की बातों को सम्मान करके सीएनजी की गाड़ी खरीदने का काम किया है। ऐसे ही घटना 8 माह पूर्व घटी थी, लोग परेशान थे, मैंने इस मामले को उठाया था, 8 महीना सबको सुचारू रूप से चला, लेकिन फिर पुनः 2 दिन के बाद परेशानी लोगों के सामने है, जो आप देख सकते हैं। रात्रि 2 बजे से कतारबद्ध से लोग, टेम्पो ड्राइवर बेचारे रोज कमाने खाने वाले यहाँ खड़े हैं। पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।